हाय दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं चल रहा हूँ अभी खेत में बुलाए हैं ट्रैक्टर जोतने के लिए, तो आपको दिखाएंगे कि खेत में कैसे जुताई करते हैं ट्रैक्टर के गाँव में। तो यार इसी साइड से चलते हैं, ये वाले इधर से भी जा सकते थे रोड से, बट इधर से आए हैं। चलते हैं यार, थोड़ा देखते हैं ट्रैक्टर वाला। अभी हमारा खेत जोत रहा है, दूसरे का जोत रहा है, मेरे चाचा ये हैं। यहाँ पे काफ़ी लोग देखने के लिए बैठे हुए हैं, तो सब छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उधर रुकी भी है और संगम है, सब लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। यहाँ पे ट्रैक्टर चल रहा है भाई, खेतों में जोताई हो रही है। देख रहे हो यार कैसे कैसे घूम घूम के जोत रहा है यार भाई। अभी तो मेरा खेत जोता ही नहीं है चाचा ने। वो जो दिख रहा है वो वाला, इस खेत की जो ये जुता हुआ है, ये जुत गया है, उसके बगल में मेरा है। तो अभी आएगा मेरे खेत में भी ट्रैक्टर, तो मेरे खेत में जाएगा तो थोड़ा सा बचा हुआ है। तो अभी देख रहे हैं, अभी जब ये रोकी है, रोकी का ही चल रहा है, रोकी का यहाँ पे बैठ के देखो कैसे खेत जुतवा रहा है अपना। तो इसके बाद मेरी ही पारी है, अब मेरे खेत में जाएंगे तो फिर अभी मेरा भी जोतेंगे खेत वहाँ पे। तो उसमें बिया डालना है, जो बोलते हैं उसको, धान की जो बिया होती है ना, उसको डालना है, फिर उसी से उसको ले जाके अभी खेत में दिखाएंगे आपको आगे आगे क्या होता है। पहले जो बात लें पहले भाई, तो अभी चलेंगे खेत में, तो अभी दिखाएंगे आपको। अरे मेरे खेत में ले जा रहे हैं यार, तो मेरे खेत में पहुंच गए हैं यार, तो मेरे खेत में आ गए हैं। अब यहाँ पे जितवा रहे हैं खेत, देखो लग गया ट्रैक्टर के। यार अब जोत देंगे तो इसमें पानी डालना भी है, पानी भी अब ट्यूबवेल से चलाएंगे। यहाँ पे समरसेबुल है, यहाँ पे पेड़ों के अंदर है समरसेबुल, वहाँ से पानी ले जाएंगे इसमें, फिर धान का जो बिया होता है उसको डालेंगे इसमें। अभी आगे दिखाएंगे कैसे कैसे क्या करना है, अभी तो पहले जोत दें दादाजी खेत, पहले बात करेंगे क्या करना है यहाँ पे। यार जो चाचा है ना, काफ़ी अच्छी जुताई करते हैं भाई खेत में, काफ़ी अच्छी जुताई। देखो इधर भी पकड़ लिया कोने पे, फिर इधर भी देखो आप ले जा रहे हैं, तो बहुत बढ़िया से। अब जगह कम है ना इसमें, इतने में ही काम करना है मुझे। यार देखो छोटी छोटी प्याज भी है, इन्हें लगा के रखे थे पहले और निकल रही है, जैसे संगम कैच करवा रहा है। भाई काफी अच्छी जुताई करते हैं ये चाचा, काफी तगड़ी। देख रहे हो कितना अंदर तक सर लगा के जोत रहे हैं। बस यार वो जो दिख रहा है ना, अब बस थोड़ा सा ही रह गया, वो दादाजी खड़े ना उधर उस साइड से, बस वही थोड़ा सा रह गया। अब एक चक्कर और लेके आएंगे पीछे, इसके बाद खत्म। अरे संगम हार जाओ यार,
तो आप इधर उधर ही से निकल जाएंगे चाचा जी जो है, और थोड़ा सा रहता था मैं तो। ये रहा देखो, ये शौचालय बन रहा है मेरा यहाँ पे इतना, और ये राहुल है और ये रॉकी, दोनों लोग बैठे हैं साथ में यहाँ पे। काफ़ी दिनों से काम चल रहा था यार, समय नहीं मिल रही थी। और मोबाइल है यार। और ये देखो ये जो बना है ना यहाँ पे, ये नहाने के लिए बना है, काफ़ी बड़ा है देखो, इतना बड़ा है। और वहाँ पे है जो शौचालय का है वो भी बड़ा है, साइड इस साइड से लग रहा है छोटा है। और इसमें देखो, इसमें रॉकी की कल मोबाइल गिर गई थी, काफ़ी मेहनत से निकली भाई, देख रहे हो कितना पतला जगह है, इसमें कोई हल भी नहीं सकता है, काफ़ी मेहनत पड़ी है यहाँ पे निकालने में उसको। तो ये तो बन रहा है यार, इतना माटी निकल गया है इसमें से, जैसे लग रहा है कि मतलब माटी अलग से गिरवाई हो। इसकी मोबाइल गिर गई थी, वो निकाले, वो उसकी स्क्रीन फूट गई और कीपैड भी चला रहा है वो बंदा। देखो भाई अब इसकी तो मोबाइल गिरी थी, अब निकालने में डंडे से वो फूट गया स्क्रीन ही, तो चला रहा है अब कीपैड। दिया है रिपेयरिंग करने के लिए मोबाइल वाले को, तो अब चलेंगे घर। यार देखो पुराना घर काफी बारिश में खराब हो गया था, उसको निकाल रहे हैं तोड़कर। मेरे चाचा हैं बंगले, देख रहे हो कितना खराब हो गया है, बहुत पुराना घर था, बारिश भी आ रही थी। अब इसमें वैसे बारिश से गिरेगा तो बहुत ज़्यादा ही किसी को घायल भी कर सकता है, इसलिए पहले ही गिरा रहे हैं। ये गोविंद चाचा हैं, इतनी मोटी दीवार है, 18 इंच की है ये दीवार। तो देख रहे हो यहाँ पे पुराने सोने के दरवाजे भी लगे हैं, ये जो यहाँ पे ना पहले सामान रखी जाती थी, देखो जब पूर्वज लोग थे यहाँ पे ये सामान रखा जाता था देखो। अभी तो इसमें पाइप रखी हुई है, खराब हो गया ये यार, नहीं तो पहले बहुत बढ़िया था। ये छोटा सा लगा हुआ है देखो साइड में, वहाँ पे देखो वहाँ पे बत्ती रखी थी, जो दिख रहा है ना मेरे को, दिखा रहा हूँ ये जो दिख रहा है ये वाला, इसमें बत्ती रखी थी पहले, इस पर तो सामान वामान रखा जाता था पहले लग रहा है। इधर भी देखो लगा है वैसा ही, बिल्कुल सेम चीज़ लगी हुई है वहाँ पे,